उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में गुप्त सूचना पर सेलटेक्स विभाग ने भागवत चौराहे पर चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से दो थैलों में भरे लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के साथ अधिकारियों की हाथापाई भी हुई। इसके बाद आभूषणों से भरे दोनों थैलों को थाना कोतवाली मैनपुरी में पुलिस अभिरक्षा में लाकर रखे गए। बता दें कि होंडा सिटी कार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार आभूषणों से भरे थैले आगरा से मैनपुरी लाए जा रहे थे। इसी बीच सेलटेक्स अधिकारियों द्वारा चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार और कार में जा रहे लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। कितना माल पकड़ा गया, ये किसका था, किस तरीके से पकड़ा गया? एक तो राधे श्याम कमल किशोर ज्वेलर्स फर्म है यहाँ की, उनका 159 ग्राम सोना है और टोटल 8 किलो 140.5 ग्राम जो है वो चांदी पकड़ी गई है, जो तीन लोगों की है, एक अमित है, एक ये है, एक और है। कोई बिल नहीं है उसके साथ, केवल सादे पर्चे हैं जिसपे की जो टैक्स बनता है कोई टैक्स अदा नहीं किया गया। इसका मतलब ये माल नंबर 2 में ले आया जा रहा था, जिसकी बिक्री भी नंबर 2 में ही की जा रही है। अब पूरा लगभग तो सोने का भी टंच करा लिया जाए, कितने परसेंट शुद्धता है और चांदी में। अच्छा, कहाँ पकड़ा गया है सर, किस तरीके से पकड़ा गया? अब अगर अंदाज से बता दिया जाए तो 16 × 48 लगभग 4.5 लाख का सोने का जेवर होना चाहिए। अब शुद्धता होने पे जो उसमें सोने का निकलेगा, अब 8 किलो चांदी है तो 8 × 32 लगभग 3.5। कोई बिल नहीं है उसके साथ, केवल सादे पर्चे हैं जिसपे की जो टैक्स बनता है कोई टैक्स अदा नहीं किया गया। इसका मतलब ये माल नंबर 2 में ले आया जा रहा था, जिसकी बिक्री भी नंबर 2 में ही की जा रही है। पूरा लगभग तो सोने का भी टंच करा लिया जाए, कितने परसेंट शुद्धता है और चांदी में। अच्छा, कहाँ पकड़ा गया है सर, किस तरीके से पकड़ा गया? अब अगर अंदाज से बता दिया जाए तो 16 × 48 लगभग 4.5 लाख का सोने का जेवर होना चाहिए। अब शुद्धता होने पे जो उसमें सोने का निकलेगा, अब 8 किलो चांदी है तो 8 × 32 लगभग 3-4 लोगों को बुलवाया था जो यहाँ पे उपद्रव ज्यादा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।